सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ में लिंक कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ में आपका आधार कार्ड लिंक करना बहुत ही जरूरी है, इससे कि आपको एक नई वोटर आईडी कार्ड भी इशू किया जाएगा जिसमें आपको हाई सिक्योरिटी वोटर आईडी कार्ड दिया जाएगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ में लिंक कर सकते हैं। यदि आपके पास मोबाइल फोन ही है तो आप अपने मोबाइल फोन की मदद से भी लिंक कर सकते हैं, या फिर आपके पास में यदि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम है तो उसके मदद से भी आप अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ में लिंक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। आप देख सकते हैं, आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे NBSP। यदि आप मोबाइल फोन से यूज कर रहे हैं तो मोबाइल फोन में भी आप टाइप करेंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ सबसे पहले वोटर पोर्टल न्यू ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास यदि पहले से मोबाइल नंबर और पासवर्ड है तो आप यहाँ पर डालकर लॉग इन करेंगे, या फिर आप एक नए यूजर है तो जिसके लिए आप यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर के थ्रू भी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अपने ईमेल आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिलअप करेंगे। एंड इसके बाद अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिलअप करके आप यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद सिंपल इसी पोर्टल पे वापस आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ आपने जो पासवर्ड सेट किया है उस पासवर्ड को फिलअप करेंगे। देन आपको इस कैप्चा को यहाँ जो शो हो रहा है, इस कैप्चा को यहाँ फिलअप करना है। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। यदि आप किसी रीजन की वजह से आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू आप पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो दोनों में से किसी एक को यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे OTP सेंड किया गया है, उस OTP को यहाँ फिलअप करना होगा। इसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कंग्रेचुलेशन, योर मोबाइल नंबर हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाइड, नेक्स्ट स्टेप चूज योर पासवर्ड। सो यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। आप यहाँ नए पासवर्ड क्रिएट करेंगे। नए पासवर्ड कुछ इस तरह से इंटर करेंगे, फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब आपका स्मॉल होना चाहिए, जैसा कि आप अपना नाम भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। इसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इसके बाद आपको कोई नंबरिंग की इंटर करना है। इसके बाद इसी तरह से इसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ कंफर्म पासवर्ड में इंटर करना है। इसके बाद इस टेक्स्ट इमेज कैप्चा को सॉल्व करके और यहाँ पर आपको इसको टाइप कर देना है। देन चेंज पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आप देख सकते पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुल। सो इसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड फिलअप करके और ये कैप्चा फिलअप करेंगे। इसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डैशबोर्ड पैनल में आप लॉगिन हो चुके हैं। प्रोफाइल यहाँ आपका शो होगा। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल को व्यू कर सकते हैं। यहाँ से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और यहीं से साइन आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा। न्यू ऑप्शंस, आधार लिंकिंग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आधार लिंकिंग वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नाम कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, और माय नेम इज वोटर मित्रा कुछ इस तरह से। आप चाहे तो इसे रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा, डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर, क्या आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड नंबर है, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर फिलअप करेंगे। देन आपको फेस डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड करने के लिए यहाँ पर कुछ पॉपअप ओपन हो जाएंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल मिल जाएगा, जैसा कि आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद आपका स्टेट, यहाँ पर आपका IPIC नंबर है, पार्ट नंबर है, इसके बाद आपका सीरियल नंबर। इसी तरह से टोटल डिटेल आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी देख सकते हैं, इसके बाद भाग का नाम है और पोलिंग स्टेशन है। तो इन सारे डिटेल को आप यहाँ से देख लेंगे, ताकि आपका ये जो सही सही डिटेल है
इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करेंगे एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिटेल ऑफ पर्सन। यहाँ पर अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिलअप करेंगे। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओटीपी सक्सेसफुल चला गया है। वेरीफाई करते ही देख सकते हैं कि सक्सेस योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा आपके पास में आधार है, तो यस आई हैव आधार नंबर। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे कि मेरे पास आधार नंबर है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद आपका नीचे यहाँ पर नाम शो हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपके नाम के हिंदी में कोई करेक्शन वगैरह करना है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में शो हो जाएंगे। यदि आपको कोई भी नाम में गलत वर्ड शो हो रहा है या फिर कोई मिस वर्ड शो हो रहा है, सो इसके लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे गूगल इनपुट टूल और यहां से ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे। यहां से लैंग्वेज को हिंदी चूज कर लेंगे और यहां पर अपने नाम को टाइप कर लेंगे। इसके बाद इसे यहां से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद इस वेबसाइट पे आएंगे। यहां पर आने के बाद में इसे काट देते हैं क्रॉस और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से अपने नाम का वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको डेट शो हो जाएगा। यहाँ पर अपना पहले इंटर करना है एंड यहां पर आपका नाम शो हो जाएगा। सो इसके बाद पहले से इंटर करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएंगे। फॉर्म 6 भी देख सकते हैं कि सी रूल 26A इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो यहां पर आपका नाम, यहां पर पिक नंबर, आधार नंबर वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए दे रहा है। इसमें सिर्फ आप ओनली आधार कार्ड को ही रहने देंगे, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नीचे में आपका पेलेस और आपका यहाँ पर नेम और मोबाइल नंबर शो हो जाएंगे। इसके बाद आपको पूरी तरह से फॉर्म को चेक कर लेना है। कोई भी करेक्शन हो तो आप एडिट फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सारे डिटेल आपका सही है तो इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर जेनरेट हो जाएगा। सो उसके मदद से आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉरी, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है आधार कार्ड लिंक करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर लिख रहा है कि फॉर्म इज ऑलरेडी सबमिटेड फॉर द गिवन डाटा। यानी कि ये जो जितने डाटा मैंने यहाँ पर फिलअप किया ये पहले से यहाँ पर सबमिट। यहाँ पर आपका जैसे ही सबमिट होता है तो आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उसके थ्रू आप स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए इसी फिर से आएंगे आप अपने होम पेज पे लॉगिन करके और यहाँ पर ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कंप्लेंट और एप्लीकेशन दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर फिलअप करना है, देन इसके बाद ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। स्टेटस को किस तरह से ट्रैक करना है इस पर मैं आप लोग को अलग से कम्प्लीट वीडियो ला दूंगा, जिसकी मदद से आप सीख जाएंगे कि किस तरह से अपने स्टेटस को आप ट्रैक कर सकते। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।